Assalamu alaikum guys, kaise aap log khairiyat se hain, theek thaak, and welcome in your second lecture of guidance and counseling. जैसा कि पहले आप लोगों ने वो लेक्चर देखा होगा, उम्मीद है कि पूरा लेक्चर देखा होगा. अगर उसमें किसी किस्म का प्रॉब्लम है तो डू कॉन्टैक्ट विद मी. आज अपनी दूसरी आप दूसरी जो स्लाइड्स आपको भेजी थी, बिकमिंग ऑफ काउंसलर, कि काउंसलर बनने के लिए कौन कौन से ऐसे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो एक बेहतर काउंसलर के लिए होती है ताकि वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके. तो उस हवाले से अपनी स्लाइड्स प्लीज़ निकाल लीजिए ताकि उसको स्लाइड बाय स्लाइड हम लोग डिस्कस कर सकें, और फिर उसमें अगर कुछ चीज़ डिस्कस करने वाली हो तो साथ साथ हम लोग उसको लेके चलें. तो सबसे पहले जनाब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव काउंसलर की देखते हैं कि जो एक अच्छा काउंसलर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, कि किस तरह से वो बेहतर तरीके से अपने क्लाइंट के साथ रैपो डेवलप करते हुए इस सेशन को एंड तक लेके चले, तो उसको हम लोग देखेंगे. तो करियर इन काउंसलिंग गिव्स लाइसेंस प्रोफेशनल्स द अपॉर्चुनिटी टू हेल्प दोज हु आर कोपिंग विद लॉस. तो इसमें आप लोग अब ये देखिएगा कि इसमें बाकायदा लाइसेंस दिया जाता है काउंसलिंग के हवाले से. यहाँ पाकिस्तान में भी प्रैक्टिस अब हो गई है शुरू, कि इस तरह से बाकायदा इसको लाइसेंस किया जाए, जिस तरह से हम लोग एडिशनल डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी करते हैं, वो भी अगर किसी ने किया हुआ दैट इज़ आल्सो प्रोक्लेम फॉर अ लाइसेंस. तो इसमें किस तरह से लोग आप डील कर सकते हैं जो कोपिंग विद लॉस, डिप्रेशन, एडिक्शन, रिलेशनशिप इशूज़ एंड अदर एवरीडे स्ट्रगल्स. तो जो जो उनको प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं न्यूरोटिकली, वो चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ नहीं पा रहे होते, एक्चुअली हम लोग उनको उस तरह से गाइडेंस भी देते हैं और काउंसलिंग भी करते हैं इस हवाले से. एंड लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव आर मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वन मस्ट पोजेस. तो इससे हट के और कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक अच्छे काउंसलर में होने चाहिए, उस हवाले से हम लोग बात करने जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में. तो सबसे पहले जो उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज़ ऑर्गनाइज्ड विद योर प्रैक्टिस. इसमें यह है कि हम लोग जितने ज़्यादा ऑर्गनाइज रहेंगे, यानी जितने ज़्यादा हमें अपना पता चलेगा कि हम किस तरह से चीज़ों को लेके चल रहे हैं, क्योंकि ऑर्गनाइजेशन इज़ अ काउंसलिंग प्रैक्टिस की. ऑर्गनाइजेशन ऑफ पेपर वर्क, यानी पेपर वर्क में हम लोग जब हमारे पास क्लाइंट आ रहा है, किस तरह से हम उसको उसकी हिस्ट्री ले रहे हैं, किस तरह से हम लोग उसकी फाइल को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, किस तरह से अगर उसका कोई फिजिकल प्रॉब्लम चल रहा है तो उसको कैसे डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, ताकि फ्रॉम स्क्रैच टू एंड हमारे पास सारी चीज़ डॉक्यूमेंट हो, ताकि जब भी कभी प्रॉब्लम हो, चाहे अब हम लोग उसको सॉफ्ट में करें या हार्ड में करें, दैट डिपेंड्स. उसकी स्केजुलिंग हम लोग कर रहे हैं कि कब उसने आना है, कब उसके फॉलोअप्स हैं, क्या उसका टाइम है, उसके साथ किसने आना है, क्या वो इंडिविजुअल काउंसलिंग उसको चाहिए, उसको ग्रुप में चाहिए, उसको फैमिली में चाहिए, या उसकी मैरिटल काउंसलिंग चाहिए. तो वो हमें स्केजुलाइज करना पड़ेगा. जितने ज़्यादा हम ऑर्गनाइज इसमें होंगे, ज़्यादा होगा प्रोफेशनल डिटेल्स हम लोगों को मिल जाएगी उस केस को सॉल्व करने के लिए, ताकि हम लोग उसको बेहतर तरीके से अपने क्लाइंट को फेस ऑफ माइंड एंड कॉन्फिडेंस इन योर वर्क. तो इसमें ये होगा कि एक तो आपको अपने काम में कॉन्फिडेंस होगा कि आपकी कौन सी चीज़ कहाँ पे है, ताकि आप वक्त पे उसको निकाल सको, और दूसरा आप अपने काम में ज़्यादा प्रोफेशनली परफॉर्म कर सकोगे, लोग आपको बेहतर तरीके से जान सकेंगे, यू आर वेरी मच प्रोफेशनल इन योर वर्क. सेकेंड जो है दैट इज़ एजुकेट योर सेल्फ. अब इसमें यह है कि जितना ज़्यादा हम डे बाई डे रिसर्चेज, जो करंट रिसर्चेज हैं, उसमें हम लोग कितने ज़्यादा अपने आप को अपडेट रखते हैं, जो ज़्यादा आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, अपडेट आर्टिकल्स विद इन अ न्यू टाइम बाय टाइम, तो जितना ज़्यादा हम लोग उसके साथ कांटेक्ट में रहेंगे, जितने ज़्यादा हम लोग कॉन्फ्रेंसेस, जितने ज़्यादा हम लोग सेमिनार्स और जितनी ज़्यादा न्यू बुक्स हैं, उन चीज़ों को अगर हम लोग अपनी प्रोफेशनली ग्रूमिंग करते रहेंगे, तो उससे ये बेहतर होगा कि हमें पता चलता रहेगा कि कौन सी प्रॉब्लम आ रही है. जिस तरह से अभी एक नई प्रॉब्लम हमारे सामने निकल के आ गई, तो उसको किस तरह से हम लोगों ने डील करना है. DSM-4 में भी उसका जिक्र है, DSM-5 में भी उसका जिक्र, और इस तरह से जो भी उससे रिलेटेड मटेरियल है, जर्नल्स है, अगर हम लोग अप टू डेट रखेंगे तो हम लोग एजुकेट करते रहेंगे, और हमें पता चलता रहेगा किस तरह से हम लोगों ने क्लाइंट्स को डील करना है, क्योंकि काउंसलिंग इज़ नॉट अ सूट फिट्स फॉर ऑल. इसके लिए हमें देखना पड़ता है कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी एज क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी फाइनेंशियली किस तरह से स्टेटमेंट, ताकि उस तरह से हम लोग उसको हल कर सकें. तो एजुकेट जितना हम लोग अपना अप टू डेट रखेंगे अपने आप को, उसी तरह से चीज़ें हमारे लिए आसान होती रहेंगी.
उसके बाद हम लोग हैं कि बी रिस्पेक्टफुल एंड नॉन जजमेंटल। तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि हमें रिस्पेक्टफुली रहना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव वेदर ही या शी द योर क्लाइंट इज मुस्लिम नॉन मुस्लिम और व्हाट्स एवर हिज और हर रिलीजन इज। दूसरा हमें नॉन जजमेंटल रहना पड़ेगा कि हमें जजमेंट्स कोई पास नहीं करने पड़ेंगे कि जो हमारे पास आ रहा है हमने उस तरह से उसको देखना है, उसमें किसी तरह से जजमेंट्स नहीं देनी कि अच्छा ऐसी चीज़ है तो इसका ऐसे होगा। हम अगर फ्रॉम स्क्रैच टू चीज़ों को लेके चलेंगे, ऑर्गेनाइज पूरे तरीके से होंगे, एजुकेट होंगे, तो हमें पता चलता रहेगा कि हम लोगों ने कोई भी जजमेंट्स पास नहीं करनी। हमें अपने क्लाइंट को अपने केस को उसकी नोयत के मुताबिक ही देखना है और उसके मुताबिक ही हल करना है, क्योंकि इसमें जो कोड ऑफ एथिक्स है स्पेशली अमेरिकन काउंसलिंग एसोसिएशन ने, उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस इस पर रखी है कि हमें एक तो रिस्पेक्टफुल होना पड़ेगा और दूसरा हमें नॉन जजमेंटल होना पड़ेगा। तो अगर ये क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स है तो दैट काउंसलर इज़ वेरी मच गुड। उसके बाद अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा काउंसलर को उसके बारे में पता होना चाहिए कि क्या कम्युनिक मतलब उसकी वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कि वर्बली किस तरह से उसने रैपो बिल्डिंग करनी है, किस तरह से अपने क्लाइंट के साथ उसकी एज उसके ऑक्यूपेशन और उसकी एजुकेशन को सामने रखते हुए अपनी एजुकेशन को देखना है और उसको कम्युनिकेट करना है। नंबर टू पे उसने ये देखना है कि किस तरह से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को उसने लेके चलना है, कि किस तरह से क्लाइंट है, क्लाइंट अगर वो अंडर द शेडो है तो किस तरह से उसको बाहर निकालना है, किस तरह से उसने उसके साथ इंटरेक्शन करनी है, उसकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को सुनना है। तो ये जितना ज़्यादा उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही ज़्यादा बेहतर तरीके से उसका क्लाइंट उसके साथ सेटिस्फाइड होगा। उसके बाद है जी नेक्स्ट हमारा हैव अ फ्लेक्सिबल एटीट्यूड। तो उसका एटीट्यूड जो काउंसलर का है दैट मस्ट बी वेरी मच फ्लेक्सिबल। अब फ्लेक्सिबल का मतलब ये है कि क्लाइंट जो हमारे पास आएगा वो हमेशा एक शेल में आएगा, अब उसको किस तरह से शेल को ब्रेक करना है दैट डिपेंड्स करेगा उस काउंसलर पे कि वो किस तरह से उसको अपने साथ ले के चलेगा, क्योंकि उसके साथ तो कन्फ्यूजन्स ऑलरेडी चल रही होंगी, अब उसको किस तरह से उसके साथ एडजस्ट करेगा दैट डिपेंड्स अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द स्किल ऑफ द काउंसलर। उसमें ये होगा कि क्योंकि वो जो आपको पहले ठीक तरह से आके चीज़ नहीं बताएगा, वो कंसील करेगा, वो छुपाएगा अपनी पहले एक दो सेशन में हो सकता है, लेकिन उसको किस तरह से ब्रेक करना है, उसको किस तरह से अपने अपने साथ देख जाना है दैट डिपेंड्स। तो जितना ज़्यादा आपका एटीट्यूड फ्लेक्सिबल होगा आपका क्लाइंट उसी तरह से ईजी आपके साथ रहेगा। उसके बाद ये आ जाती है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल से मतलब ये है कि कितने कॉम्पिटेंट है वो काउंसलर कि वो प्रॉब्लम्स को बेहतर तरीके से उसके पास स्किल्स हैं कि क्योंकि जब क्लाइंट हमारे पास आता है तो वो एक प्रॉब्लम अपनी कोई भी ऐसे फ्लोट करता है तो वो देखता है, क्योंकि क्लाइंट देख रहा होता है कि जो उसका काउंसलर है वो कितना कॉम्पिटेंट है उसके पास आया, तो वो कोई एक आइडिया फ्लोट करता है और वो देखता है कि अच्छा मेरा क्लाइंट इसको किस मेरा काउंसलर जो है वो किस तरह से इसके साथ अगर तो वो उसके साथ बड़े अच्छे तरीके से प्रॉब्लम स्किल्स उसके पास हैं तो फिर ओरिजिनल जो उसका कई दफ़ा जो प्रॉब्लम होता है वो बाद के दूसरे या तीसरे सेशन में वो डिस्क्लोज करता है, तो फिर आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्विंग स्किल जितनी अच्छी होगी क्लाइंट भी उसको देख लेता है और उसके मुताबिक फिर अपने प्रॉब्लम्स को आपके साथ शेयर करता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कितनी ज़्यादा अच्छी है ताकि क्लाइंट ज़्यादा से ज़्यादा आपसे फ़ायदा उठा सके। उसके बाद ये सेल्फ अवेयरनेस की बात होती है यहाँ पे कि कितने आप सेल्फ अवेयर हैं, जो मतलब इसमें काउंसलर के बारे में बात कीजिए, उसकी स्पेशली इमोशंस के बारे में बात कीजिए, कितना वो अपने एंगर को कंट्रोल कर सकता है, कितने ज़्यादा वो अपनी स्ट्रेस को, क्योंकि ऑब्वियसली काउंसलर इज आल्सो ए ह्यूमन, उसकी अपनी भी स्ट्रेस चल रही होती है कभी कभार, कभी वो किसी एंगर में होता है, कभी कभार किसी वो डिप्रेशन में होता है, वो कई दफ़ा वो पैनिक सिचुएशन में होता है जिस तरह से आजकल के हालात हुए हुए हैं। तो ये भी डिपेंड करता है कि क्लाइंट जब अपने प्रॉब्लम लेके आता है तो वो काउंसलर को कितने अपने बारे में अवेयरनेस है ताकि वो अपने क्लाइंट को उस टाइम के मुताबिक टैकल कर सके। तो जितना ज़्यादा अपने बारे में पता होगा उसको वो उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगा और उसी तरह से वो अपने क्लाइंट को ये शो नहीं होने देगा कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम चल रही। तो सेल्फ अवेयरनेस जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतना ही ज़्यादा क्लाइंट उसके साथ अटैच होगा और जल्दी मसला हल निकलने की सूरत हाल हो सकती है।
इसमें जो काम किया, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे हम लोगों ने बात कर ली, उसके बाद है मल्टी कल्चर कल्चरल कॉम्पिटेंसी। अब मल्टी कल्चरल या मल्टी कल्चरल कॉम्पिटेंसी से मतलब ये है कि वो क्लाइंट जो काउंसलर है वो कितना ज़्यादा कॉम्पिटेंट है कि वो डिफरेंट कल्चर को समझता है। अब ये नहीं कि उसके पास अगर मतलब सपोज वो पंजाब का रहने वाला है या वो सिंध का रहने वाला है या बलूचिस्तान का रहने वाला है, तो उसको सिर्फ अगर अपने ही कल्चर का पता होगा तो उसके पास अगर किसी और कल्चर का कोई क्लाइंट आएगा तो वो अगर उसको उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं देगा, वो उस तरह से उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल नहीं समझता होगा, वो उस तरह से उसकी चीज़ों को नहीं लेके साथ चलेगा, तो क्लाइंट जो है वो फौरन अपने नटशेल में वापस चले जाएगा और फिर उसके बाद क्या होगा कि आगे चल के प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हो सकेंगी और वहीं पे एक फुल स्टॉप आ जाएगा जिसके लिए क्लाइंट और काउंसलर दोनों के लिए प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो जितना ज़्यादा मल्टी कल्चरल कॉम्पिटेंसी उसकी होगी हम काउंसलर की, उतना ही ज़्यादा वो इफेक्टिवली अपने पूरे सेशन को लेके चल सकता है। उसके बाद रैपो बिल्डिंग स्किल्स, जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसकी रैपो बिल्डिंग क्लाइंट काउंसलर की होगी उतने ही क्लाइंट उससे ज़्यादा खुश होंगे। खुश इससे मतलब ये है कि वो जल्दी इंटरेक्ट कर लेंगे, जल्दी अपनी प्रॉब्लम को उसके साथ शेयर करना शुरू कर देंगे और फिर ज़्यादा जल्दी से चीज़ें जो है वो स्ट्रीमलाइन होना शुरू हो जाएंगी। तो जितनी ज़्यादा अच्छी रैपो काउंसलर डेवलप करेगा उसी तरह से केस जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से डील हो सकता है। उसके बाद ये पर्सनल वैल्यू इन काउंसलिंग, अब हर काउंसलर की अपनी भी कुछ वैल्यूज़ होती हैं। इसके लिए एक बुक लिखी थी, इश्यूज एंड एथिकल इन द हेल्पिंग प्रोफेशंस, किस तरह से उन्होंने इसमें काउंसलर के बारे में चीज़ें लिखी थी, तो उसकी अपनी भी कुछ वैल्यूज़ होती हैं और उसके अपने कुछ रिलीजियस कोई फैक्ट होते हैं, कोई बिलीव्स होते हैं, उसके कल्चरल बिलीव्स होते हैं जिसको उसने अपने आप में छुपा के रखा होता है। लेकिन जब उसके कॉन्ट्रोडिक्शन को क्लाइंट आके कोई बात करता है तो वहाँ पे जो अच्छा काउंसलर होता है उसको ग्रिप करना आता है कि किस तरह से उसने उस सिचुएशन को संभालना, उन वैल्यूज़ के अगेंस्ट अगर कोई बात हो रही है तो किस तरह से उसने उसको टैकल करना है। तो जितना ज़्यादा वो अपने पर्सनल वैल्यूज़ पे कमांड रखता है उसी तरह से उसका क्लाइंट उसके साथ जेल हो जाता है जल्दी से, तो चीज़ जो है और प्रॉब्लम जो है वो जल्दी सॉल्व होना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद एक काउंसलर वैल्यू बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट मॉडल, एक कॉन्फ्लिक्ट मॉडल है जिसको कॉकेट एंड हेलरी ने 2014 में ये किया था। ये मैंने इसके साथ और आपके नोट्स में भी ये चीज़ रखी हुई है, वहाँ से भी मदद मिल सकती है। अगली जो हमारी स्लाइड है वो भी इसी के ऊपर है और इसमें उसने एक इस तरह से कॉन्सेप्ट कॉन्फ्लिक्ट मॉडल बनाया था जिसमें उसने इनकरेजेस थेरेपिस्ट टू ट्रिवर्स सच सिचुएशंस बाय एग्जामिनिंग व्हेन देयर पर्सनल वैल्यूज इम्पीड इन द थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप। तो मतलब जिस तरह पहले हम लोगों ने बात की कि उसकी जो पर्सनल वैल्यूज़ हैं, हर एक इंसान की अपनी वैल्यूज़ होती है, अपने बिलीव्स होते हैं, उसके ऊपर वो फॉर्म होता है। लेकिन जब उसके पास क्लाइंट आके कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी को बात की जाती है तो वो उन सिचुएशन में किस तरह से अपने एंगर को, अपने डिप्रेशन को, अपने स्ट्रेस को, उस सारी सिचुएशन को कैसे संभालता है वो उसके ऊपर डिपेंड है। तो वो डिटेल मैंने उसमें भी दी है, अगर फिर भी आपको समझना है तो हम इसके ऊपर दोबारा से बात कर सकते हैं। उसके बाद सेल्फ अवेयरनेस की अगली स्लाइड है कि किस तरह से डिवेलप की जा सकती है अपनी सेल्फ अवेयरनेस। इसके लिए ये है कि काउंसलर्स को अपने से जो सीनियर काउंसलर्स हैं या सीनियर साइकोलॉजिस्ट हैं या सीनियर टीचर्स हैं उनके साथ बैठना चाहिए, अपनी जो भी ग्रे एरियाज हैं उनके ऊपर बात करनी चाहिए और जितनी ज़्यादा सेल्फ अवेयरनेस उसको अपने बारे में होगी उतना ही ज़्यादा वो अपने क्लाइंट के साथ अच्छे तरीके से चीज़ों को डील कर सकेगा। इसके ऊपर काफ़ी रिसर्चेज हुई, काफ़ी सर्वे वगैरह चीज़ें सामने निकल के इस तरह से आई। उसके बाद है जी मेंटेन अ न्यूट्रल पोजीशन, कि अपनी पोजीशन को न्यूट्रल रखना है। अब क्लाइंट अगर हमें आके ये कहता है कि उसके साथ ज़्यादती हो गई है या उसके साथ किसी को मतलब एक फैक्शन हो गई है या कि उसकी टेंडेंसी है किसी भी तरह से कुछ सेक्शुअल एक्ट के लिए, तो हमारी पोजीशन यानी काउंसलर की पोजीशन जो है दैट मस्ट बी न्यूट्रल। अब वो किस तरह से उस सिचुएशन से बाहर निकालता है ये उसकी कॉम्पिटेंस है काउंसलर की।
तो उसको किस तरह से डील करना है इसके बारे में वहाँ पे लिखा हुआ है। मैंने जो आपको नोट्स दिए हैं उसके उसमें भी एक आपको एग्जांपल साथ दिया है, तो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा उसको समझना। सो जी, दैट वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। अब इसमें हम लोगों ने देखा कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस तरह से हमारे काउंसलर को होना चाहिए ताकि जो ही हमारे पास क्लाइंट आए तो वो हमारे साथ इस तरह से सेशन को लेके चले कि वो फॉलोअप्स भी होते नहीं, और बजाय इसके कि सेशन को ड्रैग किया जाए, सेशन को कम से कम वक्त में अच्छे तरीके से पहुँचाए, कम्प्लीट किया जाए। सो दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम टुडेज लेक्चर। अगर कोई भी किसी किस्म की आपको परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो क्विज़ के हवाले से, असाइनमेंट के हवाले से, स्लाइड्स के हवाले से, सो डू कॉन्टैक्ट विद मी। मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप वगैरह सब कुछ आप लोगों के पास है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।